हेलो दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने बैंक का बैलेंस घर बैठे बैठे कैसे पता कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी जाना ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आप घर बैठे बैठे अपने बैंक में आपके जितने भी बैलेंस हैं उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उसके बगल की घंटी को दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की आने वाली हर नई टेक्नोलॉजी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर आपका बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका कोई अदर बैंक है, जैसे कि पंजाब बैंक और भी बहुत सारे बैंक है, अगर आपका कोई अलग बैंक है स्टेट बैंक इंडिया के अलावा, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करेंगे, हम आपके लिए उस बैंक से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, आप उस बैंक का बैलेंस किस तरह से चेक कर सकेंगे, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आप कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो की पसंद आने पर आप लाइक जरूर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बैलेंस चेक करने के लिए एक नंबर पे मिस कॉल करना होगा। ध्यान रहे कि आपका जो है, आप जिस भी मोबाइल नंबर से इस नंबर पे मिस कॉल कर रहे हैं तो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको मिस कॉल करना है एक नंबर पे। तो नंबर आप सुन लीजिए, 9223766666, यानी कि 5 बार 6, ठीक है। तो आपको इस नंबर पे क्या करना है, मिस कॉल कर देना है। तो थोड़ी देर बाद आपको एक मैसेज आएगा और आप उस मैसेज में आपके बैंक में जितना भी बैलेंस होगा आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो मिनी स्टेटमेंट के लिए आप दूसरे नंबर पे आप स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा नंबर है 09223866666, यानी कि जो है आपको अंतिम में 5 बार 6, ठीक है। आप नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। ऐसे भी मैंने जो है ये सारा डिटेल्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो आप वहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बैंक की डिटेल्स का पता लगा सकते हैं, आप घर बैठे बैठे बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।